सब्सक्राइब कीजिए एज इन्फॉर्मर को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो देख पाए सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूँ एज इन्फॉर्मर में। दोस्तों, हम सभी लोग अभी के दौर में स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। स्मार्टफोन और कंप्यूटर का यूज इतना ज़्यादा लोगों के बीच बढ़ गया है कि उनके आँख पर ये असर होना शुरू हो गया है और धीरे धीरे जो है आँख खराब भी होना शुरू हो रहा है, आई सेट गड़बड़ा रहा है, लोगों को चश्मा लगाना पड़ रहा है। लेकिन इस वीडियो के पूरा देखिएगा तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा कौन सा ट्रिक अपनाएं, ऐसा कौन सा एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में कंप्यूटर हो या मोबाइल हो उसमें रखें जिससे आपका आँख पर थोड़ा भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आप चाहे 5 घंटा कंटिन्यू यूज कीजिए या 10 घंटा यूज कीजिए, आपके आँख को कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके साथ साथ जो है आपको लॉन्ग टर्म में जो है चश्मा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको जो है कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि हम सभी के आँख को देखते हुए यहाँ पे बहुत सारे डेवलपर हैं कि ऐसे ऐसे एप्लीकेशन तैयार किए हैं जो आपके आँख को बचा सकता है। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले इसकी गहराई को समझिए। यहाँ पे होता क्या, आपके आँख को जो रात के वक्त मैक्सिमम तौर पे जो आपको स्ट्रेस होता है, ज़्यादा जो मतलब अनकंफर्टेबल फील होता है, उसका रीज़न होता है वो रात में जब आप जो है मोबाइल को यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं तो उस वक्त होता है। तो वहाँ पे होता है जब लाइट है, लाइट जो मतलब है जैसे रेज में क्या है कि 7 कलर है, इसमें से जो ब्लू कलर है वो आपके आँख को थोड़ा ज़्यादा मतलब कि सोने नहीं देगा, आपको आपको ज़्यादा मतलब एक्टिव रखने का कोशिश करेगा, ब्लू लाइट ऐसा ही है। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर 7ों रंग में से अगर ब्लू लाइट को हटा दिया जाए तो कैसे होगा? अब देखिए, जहाँ पे भी आप लोग देखते होइएगा कि जैसे मीडियम लाइट लगा जाता है, जैसे नाइट बल्ब होता है, तो वो सब ब्लू नहीं रखा जाता है, वो हमेशा रेड येलो इस टाइप का रखा जाता है। येलो आपके आँख को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कराएगा। तो क्या करता है, ये जितने भी एप्लीकेशन है, अगर आपको हार्डवेयर में जाना है तो आपको लाइट के ऊपर में एक फिल्टर लगाना होगा जो कि ब्लू लाइट को हटा देगा और कोशिश करेगा कि येलो लाइट को ज़्यादा जनरेट करें। इस टाइप का फिल्टर होता है, वो हार्डवेयर में आ गया कि शीशा के ऊपर लगाइए आपको, तो वो तो कॉस्टली, उसमें आपको पैसा लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन की बात, कि आखिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, अगर कंप्यूटर पे हैं तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिए और उसको इंस्टॉल कर लीजिए। वो क्या करेगा, आपके स्क्रीन से लाइट तो सारा निकलेगा नो डाउट, लेकिन क्या करेगा, आपके स्क्रीन से ब्लू लाइट को फिल्टर कर देगा। ब्लू लाइट का फिल्टर का मतलब ये हो गया कि आपका स्किन थोड़ी देर के लिए दूसरे टाइप का देखने में लगेगा। दूसरे टाइप का क्यों लगेगा, कि ओरिजिनल व्यू नहीं मिलेगा। आप जैसे कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं उसमें ब्लू लाइट का भी मतलब असर रहता है, तो ब्लू लाइट नहीं दिखेगा। ब्लू लाइट ऐसा नहीं कि साफ खत्म हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक रिड्यूस कर देगा, जिसके कारण क्या होगा कि वो पूरा वीडियो या आपका मोबाइल का स्क्रीन या कंप्यूटर का स्क्रीन जो है उसमें पीलापन ज़्यादा आ जाएगा। जब पीलापन आएगा तो आपके आँख पर प्रेशर कम पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जब आपके आँख पे प्रेशर कम पड़ेगा तो हमारे आँख के अंदर जो सिस्टम है उस सिस्टम को डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा तभी वो ख़राब होता है। अगर मान लीजिए हमारे आँख के सामने एकदम तेज़ रोशनी रख दिया जाए तो आँख खराब हो जाता है, कहा जाता है। इसीलिए भी कहा जाता है कि सूरज को आप अगर देखिएगा ज़्यादा देर तक तो उसमें भी आँख खराब होने का ज़्यादा चांस रहता है, या आपके सामने एकाएक बहुत तेज़ रोशनी वाला लेदर, वहाँ पर क्या होता है कि आपके आँख को बहुत ज़्यादा क्षति होने का चांस बढ़ जाता है। तो अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि ये एप्लीकेशन का नाम, तो मैं किसी एक का नाम नहीं लेने जा रहा हूँ। रीज़न ये है, एक का नाम लूँगा तो एक तरह से प्रचार हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे है। हाँ, अगर किसी स्पेसिफिक काम के लिए कोई एप्लीकेशन तो उसका तो नाम लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जाइए, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं और मोबाइल में चाहते हैं इस टाइप का एप्लीकेशन यूज करना, तो सिंपली आप सर्च कीजिए ब्लू लाइट फिल्टर, बहुत सारे ढेरों एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आ जाएंगे। एक चीज़ और दोस्तों, मैं हमेशा से रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल रहा है तो उसी से डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिएगा, ताकि चांस रहता है कि ज़्यादा सुरक्षित रहें, क्योंकि हाल फिलहाल के न्यूज़ में तो वो भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 99% चांस रहता है कि वो एप्लीकेशन सेफ रहता है। तो वहाँ से आप जो है ब्लू लाइट फिल्टर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, जो आपको पसंद पड़े, जो आपका जिसका यूजर इंटरफेस अच्छा है, सबका काम एक ही रहेगा। और मैं कहूँगा कि उसमें पैसा वाला एप्लीकेशन कोई इंस्टॉल नहीं कीजिए, सब अवेलेबल है, सारा कुछ है। अगर आप कंप्यूटर पे यूज़ करना चाहते हैं तो कंप्यूटर पे भी बहुत सारा एप्लीकेशन है, गूगल में सर्च कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मैं बताऊँगा कि जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ F.Lux जो रहता है,
इसको फ्लक्स के रूप में हम लोग बोलते हैं। तो वो एप्लीकेशन जो है उसका जो है आप जाइए गूगल पे सर्च कर लीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए अगर कंप्यूटर है तो, और नहीं अगर मोबाइल में यूज कर दे सिंपली प्ले स्टोर पर कर दीजिए, तो आपके आँख को बहुत हद तक बचाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा टिप्स, यहाँ पे दूसरा टिप्स की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि 20-20-20 वाला जो रूल्स है, जो कि अगर आप इससे पहले कहीं गूगल में सर्च किए होंगे तो आप भी जानते होंगे, और बहुत सारे बड़े बड़े जो मतलब टेक गाइज हैं जो ज़्यादा एकदम डिवोटेड रहते हैं तो उनको अगर फॉलो कीजिएगा तो वो भी वही रूल्स कहते हैं कि 20-20-20 का मतलब ये हो गया कि हर 20 मिनट पे एटलीस्ट 20 सेकेंड के लिए 20 मीटर हो इतना कोशिश कीजिएगा, जितना लॉन्ग डिस्टेंस हो सके, ऐसा नहीं बहुत नज़दीक का, वहाँ पे कोई पॉइंट फिक्स कीजिए और उसको एक टक एकदम 20 सेकंड तक देखते चले जाइए, एकदम पलक मत झपकाइएगा। हो सकता है कि 100% चांस है कि आपके आँख से आंसू गिरेगा, लेकिन ऐसा कीजिएगा हर 20 मिनट पे तो आपका आँख एकदम सुरक्षित रहेगा। तो ये गोल्डन टिप्स है दोस्तों, इस वीडियो को इसीलिए लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इससे जो है किसी का भला होगा और आपका भी भला होगा, और आपका भला होने के साथ साथ दूसरे का भला करने के लिए इस वीडियो को जितना शेयर कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। और कोई सवाल या सुझाव तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए, मैं उसका आंसर देने का पूरा से पूरा कोशिश करूँगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।